अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। तो जैसा कि आप सबने टाइटल देखा होगा कि मैंने क्लाइंट को किस तरीके से अपने डिज़ाइन पे राज़ी किया, तो उसकी थोड़ी सी आप लोगों को स्टोरी सुनाती चलूं। तो हुआ ये कि शाम के 7 बजे के करीब क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि उसे केक चाहिए 2 दोस्तों की बर्थडे के हिसाब से। मतलब उन्होंने थोड़ा सा कन्फ्यूज़िंग मुझे बताई ये बात ना, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने इस तरीके का तो कोई केक नहीं बनाया। मोस्टली लड़कियां अपनी फ्रेंड्स के लिए केक बनवाती हैं, अब आपको 2 दोस्तों के हिसाब से बनवाना है तो कोई डिज़ाइन नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बड़े मुश्किल मुश्किल डिज़ाइन दिखाए कि लाइक जिसके अंदर केक में 2 दोस्तें बनी हुई हैं, पूरी फाउंडेंट से 3D गर्ल्स बनी हुई हैं। तो मैंने उसका तो मना कर दिया क्योंकि बहुत छोटा सा केक था उनका, 1.5 पाउंड का केक था और उस पर इतनी बड़ी कस्टमाइजेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। तो बहरहाल फिर मैंने उन्हें, आप स्क्रीन पे एक केक देख सकते हैं, ये रेड कलर की फ्रॉक का केक है जो ब्राइडल शावर का केक है, मैंने उन्हें वो दिखाया। लेकिन मेरे पास उस वक्त एक पिक्चर अवेलेबल थी जिसमें 2 दोस्तें साथ में खड़ी हुई थी, जो आगे आप देखेंगे इस वीडियो में। तो मैंने उन्हें वो रिकमेंड की कि आप इस तरीके से ये पिक्चर लगवा लें और केक का डिज़ाइन सेम एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो आपने रेड वाली फ्रॉक वाला केक देखा। तो खैर वो राज़ी हो गई। तो उन्होंने मुझे फिर नाम बताया ना कि केक पे लिखना है हैप्पी बर्थडे शर्मीन। तो मैं उस वक्त कन्फ्यूज़, मैंने कहा मतलब आपने तो मुझे बोला कि 2 दोस्तें हैं और नाम आप एक ही लिखवा रही हैं। तो बच्ची खुद थोड़ी कन्फ्यूज़ थी, तो उसने फिर मुझे बताया कि नहीं, एक तो मैं खुद हूँ और दूसरी मेरी दोस्त है। मैंने कहा फिर आप अपनी पिक्चर क्यों लगवा रही हो, अपनी दोस्त की लगवाएं। तो कहने की ऐसे उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने केक ऑर्डर करके उसको गिफ्ट किया। मैंने कहा अच्छा, आप चाह रही हैं कि केक को देख के ही सबको पता चल जाए कि ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक ही बर्थडे है तो दूसरी ने उसे गिफ्ट किया है। तो कहने की हाँ, मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, तो आपने नाम की एडजस्टमेंट भी इसी तरीके से करनी है। तो ये जो पिक्चर है मेरे पास अवेलेबल थी क्योंकि मैं डिफरेंट पिक्चर्स बनवा के अपने पास स्पेयर में रखती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं होता कब किस तरह के ऑर्डर्स हमारे पास आ जाएं। तो खैर उसने मुझे 7-8 बजे के करीब ऑर्डर कंफर्म कर दिया। तो उसके बाद मैंने स्पंज वगैरह बना लिया था और टॉपर्स मैंने दिन में बनाए क्योंकि शाम में जाना था केक। और ये जो टॉपर्स हैं ये बेसिकली इस तरह के हैं कि आप ओवरनाइट बना के रख नहीं सकते, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इसमें टाइलूस, तो जितनी भी फाउंडेंट हम यूज़ करते हैं सब में लाइक पुरानी फाउंडेंट होती है तो उनमें टाइलूस होता है, तो इसलिए मैं एक दिन पहले फ्रिल वाले टॉपर्स या जो ऊपर ये दुपट्टा वगैरह बनता है ये एक दिन पहले नहीं बनाती, वरना वो हार्ड हो जाते हैं। तो फाइनली हमने ये 2 कलर्स की जो उनकी डिमांड थी कि मुझे 2 पिक्चर्स चाहिए केक पे, वो भी पूरी कर दी। और ये दोनों जो केक में लड़कियों की तस्वीर थी उसकी जो फ्रॉक्स वगैरह के कलर थे उसकी मैचिंग की मैंने ये फाउंडेंट के फ्रिल्स बना दी। अच्छा, इस केक में एक गड़बड़ ये हुई थी कि मेरी हो गई थी क्लाइंट से लड़ाई, जिसकी डिटेल आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जो टॉपर अटैचमेंट की वीडियो होगी इंशाल्लाह वो मेरे चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और मतलब लड़ाई भी हुई और केक भी डिलीवर किया हमने, और लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतनी मतलब आपको एंग्जाइटी दे जाती हैं केक के दौरान कि हम खुद भी परेशान होते हैं कि हम चीज़ें कैसे टैकल करें, वो भी शॉर्ट नोटिस अगर आपका हो तो। तो खैर उस लड़ाई की स्टोरी तो आप लोग उसी वीडियो में सुनिएगा। यहाँ इसी तरीके से बातों बातों में आप देख सकते हैं कि हमारे ये केक के टॉपर्स बन के रेडी हो चुके हैं, और मैंने इसको सेम एग्जैक्टली वैसे ही बनाना था जैसी वो पिक्चर थी, वो एक कलर में थी, इसको मैंने डबल शेड में बनाना था। और यहाँ वो मतलब उस बच्ची ने मुझसे हर चीज़ बहुत डिटेल में पूछी कि जैसे इसमें तो एक का एक साइड पर आपने रेड फ्लावर्स लगाए हैं, अब वो 2 पिक्चर होंगी तो क्या आप 2 लगाएंगी या एक ही तरफ लगाएंगी। मैंने कहा नहीं, मैं 2 ही लगाऊंगी। तो यहाँ हमने फिर 2 तरह के डिफरेंट साइजेस के फ्लावर्स निकाले क्योंकि कुछ मुझे फ्रिल के ऊपर एडजस्ट करने थे और कुछ मुझे फिर केक पे। तो ये सारे टॉपर्स बनकर रेडी हो चुके हैं, और बाकी जो है इसकी लड़ाई वाली जो स्टोरी है उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन हासिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अपनी उस लड़ाई वाली वीडियो की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।